हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क कट ऑफ मार्क्स 2020 से रिलेटेड है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए पहले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सभी अपकमिंग वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने चंडीगढ़ स्टेट में 22 दिसंबर 2019 को कुल 477 क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए एक रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसके रिजल्ट्स जो है डिपार्टमेंट फरवरी या मार्च 2020 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर देगा। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आप यहां से देख सकते हैं। क्लर्क और स्टेनो के पद के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक 40% है, जिसका अर्थ है कि आपको दोनों पेपरों में 40 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन इसे बदला जा सकता है यदि योग्य उम्मीदवार उम्मीद से अधिक। टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको सिर्फ CA DP क्लर्क और स्टेनो क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स यहाँ से देख सकते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 में की तरफ देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पेपर वन के लिए 75 से 85 मार्क्स हैं, पेपर सेकंड में 65 से 75 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहेगी। SC कैटेगरी के लिए पेपर वन के लिए 55 से 65 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है और पेपर सेकंड के लिए 45 से 55 कट ऑफ मार्क्स रहेगी। और ST कैटेगरी के लिए 50 से 60 पेपर वन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहेगी और पेपर सेकंड के लिए 45 से 65 कट ऑफ मार्क्स रहेंगे। और OBC कैटेगरी के लिए देखा जाए तो पेपर वन के लिए 60 से 70 कट ऑफ मार्क्स रहेंगे और पेपर सेकंड के लिए 55 से 65 कट ऑफ रहेगी। और EWS कैटेगरी के लिए पेपर वन के लिए 55 से 65 कट ऑफ मार्क्स रहेगी और पेपर सेकंड के लिए 50 से 60 कट ऑफ मार्क्स रहेगी। वहीं PWD कैटेगरी के लिए देखा जाए तो 50 से 60 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहेगी। यह कट ऑफ मार्क्स पेपर वन के लिए रहेगी और पेपर सेकंड के लिए कट ऑफ मार्क्स जो है वो 45 से 55 रहेगी। और अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।